हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की संडे की सुबह हो चुकी है और एज ऑलवेज मेरी सुबह मेरे प्लांट्स के साथ ही होती है। आजकल मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्लांट्स हमारे बहुत हम खर्चे करके लाते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही पानी का प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो पानी अच्छा नहीं आ पाता है, तो फिर प्लांट्स सारे मर जाते हैं। बट इस टाइम पे मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि हम अच्छे से प्लांट का ध्यान भी रखेंगे और हमारा छोटू सा गार्डन बहुत ही अच्छा रखेंगे। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टू डेज, तो मेरी सुबह स्टार्ट हो चुकी है। अभी बज गए हैं 9:15 बज गए। अभी रात को मैंने और हस्बैंड ने मूवी देखी थी, तो थोड़ा सा उस वो चल रहा था। ये मेरी ब्यूटीफुल फिशेस है जो मुझे बहुत ही पसंद है। इनके साथ सुबह सुबह इनको देखना, इनके साथ खेलना, इनके लिए मैं ये मैरीगो राउंड लाई हूँ जो जिससे वो लोग खेलती रहती है। तो चलो फिर सुबह स्टार्ट करते हैं आज की। ये हिया के घर में, सॉरी रूम में, ये नया वाला बेबी हक की तरफ से मुझे जो रिसीव हुआ था वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। एक्चुअली मैं ये मॉम के घर पे भेजने वाली थी, बिकॉज़ वहाँ पे उसका कुछ भी स्टोरेज नहीं है, तो यहाँ पे उसकी बुक्स रहती है। यहाँ पे सॉरी पीछे बहुत ही नॉइज़ आ रहा है। एक्चुअली मेरी हेल्पर है जो, वो सुबह सुबह आती है और 10:30 तक वो चली जाती है। यहाँ पे उसका किचन रख दिया है, इधर उसका मेकअप का जो था वो रख दिया है। ये उसका दूसरा एक अलमीरा है जिसमें हम लोग रखते हैं सब कुछ, उसकी बैग्स, उसके लंच बॉक्सेस वगैरह, एंड फिर ये इसका डॉल हाउस है छोटू वाला। ये जो चेयर है वो यहाँ पे झाड़ू पोछा हो रहा है इसलिए वो ऊपर रख दिया। उसका वो टी सेट है, फिर उसकी बेबीज है, फिर ये उसका बेड रहता है जहाँ पे वो रात को तो नहीं बट यस आफ्टरनून नैप यहाँ पे लेती है और उसे अच्छा भी लगता है। ये उसका स्टडी टेबल हो गया। यहाँ पे ज़्यादातर स्टडी तो अभी नहीं हो पाती उतनी, बट यहाँ पे वो क्ले ज़्यादा खेलती है और उसको बहुत ही पसंद है। ये जो है वो मुझे पहले भी सेव हुआ था और ये मैंने, इसमें मैंने ऑलरेडी उसका सारा सामान भर भर के रख दिया है। ये उसके कुछ सॉफ्ट टॉयज़ है जो पहले इधर रहते थे, बट ये मैंने सब खाली करके उधर रख दिए है। और ये उसका थोड़ा सा फ्री हैंड करने के लिए मैंने थोड़ा वो बोर्ड लगाया हुआ है। इट्स नॉट बोर्ड, इट्स काइंड ऑफ वॉल पेपर, बट यू कैन यूज़ एट ब्लैक बोर्ड, चॉक से आप लिख सकते हो। चलो फिर हस्बैंड उठ गए हैं, उनकी चाय बनाते हैं। ये हमारी चाय उबल रही है यहाँ पे और ये पानी गर्म हो रहा है क्योंकि हमारा गीजर बिगड़ चुका है और ये हस्बैंड जा रहे हैं कहीं पे। चाय तो चढ़ा दी थी पर देखा तो दूध ही नहीं था, और सुबह सुबह हस्बैंड कहीं पर भी नहीं जाते तो मुझे ही ऑफकोर्स लेने जाना पड़ा, तो चलते हैं दूध लेने अभी। और ये हम जा रहे हैं कहीं घूमी करने, है ना, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं हिया के लिए, उसके पापा ने बोला है। तो आप देख सकते हो संडे की कितनी ब्यूटीफुल मॉर्निंग है और हम जा रहे हैं। फिर हम गए हैं फ्रूट लेने। अब हम ले रहे हैं हिया का फेवरेट ड्रैगन फ्रूट, है ना, हिया का फेवरेट है ना। फिर हमने क्या लिया, और ग्रेप्स लिया। नो, उसको बहुत पसंद है, यहाँ से ही तोड़ तोड़ के खा लो भाई और हम बनाना थोड़े से ये छोटे वाले ले रहे हैं। और ये हम घर आ गए हैं वापस और संडे हमारा जाता है नेबर्स के घर पे और मैडम बिजी है अभी बलून फोड़ने में। ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो हम 11:30 बजे कर रहे हैं। आप गार्डन में खाना पसंद करोगे? फ्रूट्स मैं ऐसे रखती हूँ सीधा ऐसे ही मेरे फ्रिज में,
तो दोनों साइड फ्रूट रहते हैं, यहाँ नीचे बास्केट में भी फ्रूट, यहाँ पे कोरिएंडर और धनिया वगैरह, सॉरी नीचे वो जो करी पत्ता होता है वो होता है, काइंड ऑफ ऐसी थोड़ा मुझे अरेंज करना भी रह गया है फ्रिज में। यहाँ पे हिया का टर्मरिक वाला मिल्क बना रहे हैं और साथ में ही मैं लंच की तैयारी आज थोड़ी सी लेट कर रही हूँ। वैसे हिया का स्कूल होता है तो मैं जल्दी से ही कर लेती हूँ। आज मैं लंच में ये वाली सब्जी बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से, सिर्फ हल्दी मिर्ची नमक डाल के, और मेरा डो भी रेडी हो चुका है तो हम डो की गर्मा गर्म रोटियाँ तो बाद में जब हस्बैंड आएंगे तब मैं करूँगी उसको। अभी इसकी रेसिपी तो मैंने पहले इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर की हुई है तो उस हिसाब से ही बनेगी ये। तो फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। यहाँ पे हिया के लिए लंच कर रही हूँ मैं रेडी, तो मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ एक साइड पे, और एक साइड पे मैं थोड़ी सी सब्जी रख दूँगी उसके लिए, और क्यूकम्बर तो ऑलवेज सैलड रहता ही है, और थोड़ा सा फ्रेश कर्ड जो उसको बहुत ही पसंद है खाना, खाने के साथ कितना अच्छा जमा है आप देख सकते हो। और उसमें थोड़ा सा मैं फ्लेक्स सीड का पाउडर डाल के दूंगी उसको। ये हमारा रेडी हो चुका है हिया का लंच, गर्मा गर्म रोटी विथ लॉट्स ऑफ घी और सब्जी थोड़ी सी, थोड़ा सा कर्ड विथ पावर पैक्ड सीड्स पाउडर एंड क्यूकम्बर विथ सॉल्ट एंड पेपर। हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं ऑलरेडी। ये मैंने एयर फ्रायर में पापड़ी है वो की है जो काफ़ी टेस्टी लग रही है, बट जैसे हम गैस पे करते हैं वैसी फूली फूली नहीं है। अभी मैं खाना खा रही हूँ, 2 चपातीज एंड थोड़ी सी सब्जी विथ एयर फ्राइड पापड़ी, और मेरी छाछ चोरी हो चुकी है जो हिया ने कर ली है। कोई नहीं, अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 4:30 और ही ऑलरेडी सो चुकी है, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स मूड में आ गई हूँ। थोड़ा सा ब्रांड कोला का मुझे काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अभी सब अपनी जगह पे अच्छे से रख के मैंने एक्चुअली ये यास कॉर्नर बनाया हुआ है जिसमें मैं सारा कुछ हिया का रखती हूँ, और जो बहुत हेल्दी और मुझे अच्छा लगता है वो मैं रखती हूँ। ये स्मार्ट बार्स और वो सब मैं, मुझे रिसीव हुआ था वो मैंने आपको ऑलरेडी अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो अभी इसको अच्छे से अरेंज करके थोड़ा सा मैंने अभी ये बॉटल वगैरह हिया का वॉश करना था, स्टीम करना था, जो मैंने कर लिया है। हिया बॉटल्स यूज़ नहीं करती है, बट या इफ़ जो वहाँ मतलब वो डिनर या लंच करे बिना सो गई तो कभी कभी मैं उसको नींद में बॉटल से देती हूँ तो उसकी नींद भी ख़राब ना हो और अच्छे से वो फीड भी कर सके। मैंने हस्बैंड के शूज़ वगैरह थे वो मैंने धो के ऑलरेडी रख दिए हैं। ये मेरा मनी प्लांट है जिसको मैंने सनलाइट के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ये मेरा किचन में रहता है। अभी मैं थोड़ा सा मुझे अपना क्लीनिंग वगैरह करना है वो मैं कर लूँगी, और फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। ऑल्सो हिया का रूम थोड़ा सा अरेंज करना है वो भी मैं कर दूँगी, एंड देन मिलते हैं हम डिनर के टाइम पे, नहीं सॉरी डिनर बनाने के टाइम पे। तो हम अभी खाना बनाने आ चुके हैं, मैंने अच्छे से डीप बाथ ले लिया है। संडे ऑब्वियसली मैं शाम को अच्छे से फेस पैक लगा के बाथ लेती हूँ। ये लड़की आ चुकी है नहाने, सॉरी इसने तो नहा लिया है, मैं नहा के आई हूँ, और ये अभी जिद कर रही है कि मम्मा चलो कहीं बाहर चलते हैं। ये मेरी दाल ऑलरेडी मैंने रख दी है, इसमें मेरा राइस बनेगा
हम आज बनाएंगे जीरा राइस एंड दाल फ्राई, बड़ी ही सिंपल तरीके से। अभी मिलते हैं आफ्टर डिनर बनाने के बाद। फाइनली हम तैयार हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। मैंने बना दिया है जीरा राइस गर्मा गर्म। मैंने सैलेड भी रेडी करके रख दिया है, तो हस्बैंड आएंगे और हम लोग आएंगे तो साथ में ही हम लोग खाना खाएंगे। तो सब कुछ अभी से रेडी करते जा रही हूँ। अभी मैं ये दाल छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होगी, थोड़ी सी मैंने थिन बनाई है। बहुत ही यमी टेस्ट लग रहा है, मैंने टेस्ट नहीं किया बट स्मेल बहुत यमी आ रही है। तो ये भी मैंने रेडी कर दिया है, ये धनिया मैंने गार्निश के लिए डाल दिया है और अब हम चलते हैं। मेरी गर्ल बहुत ही बड़ी हो चुकी है, खुद से पहन रही है अपने बेलीज। वेरी गुड, हाई फाइव, लेट्स गो। सो वी आर ऑल सेट फॉर आउटिंग, से बाय बाय, से बाय। जैसे मॉर्निंग में दिखाया था वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है हमारा यहाँ पे। हम अभी पहुँच चुके हैं, हम यहाँ पे ही आइसक्रीम खाते हैं जो हिया का फेवरेट है। अकेले जाओगी हिया? कौन सा आइसक्रीम खाना है हिया? कौन सा आइसक्रीम? पिंक वाला? चलो फिर। और ये हम आ चुके हैं, एक छोटा सा यहाँ पे खेलने की जगह है, बड़ा सा मॉल है उसमें, और पापा ने हमें ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे आफ्टर काम। पापा नेवर फॉरगॉट हिज ड्यूटी। तो अभी हिया जंप करेगी यहाँ पे, फिर हम इसमें बिठाएंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे और फिर घर जाएंगे।